तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ आईटी कंप्यूटर वाले दादा के शॉप पे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोगों का दिनेश पाल ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं आज फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस, आज मौसम काफ़ी ख़राब है, तो स्कूलों की भी छुट्टियाँ हैं। तो देखते हैं, अगर मौसम ठीक होता है तो हम लोग चलेंगे मार्केट में। मार्केट में आईटी कंप्यूटर वाले जो दादा हैं उनके शॉप पे चलेंगे, वहाँ पे राजू भैया के लिए फ़ोन लेने के लिए, क्योंकि हमने फ़ोन ऑर्डर किया हुआ था, वो फ़ोन शायद आज आ गया है, तो कॉल आई हुई थी उनकी। तो आज हम लोग वहाँ पे चलेंगे और उस फ़ोन को आज लेके आएंगे राजू भाई के लिए। राजू भाई कह रहे थे कि आज फ़ोन लेना है, तो अभी मौसम जैसे ही ठीक होगा तो हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और मैं अभी फ़िलहाल अपने कमरे पर हूँ, राजू भाई होटल में शायद, तो फिर मैं जाऊँगा यहाँ से और फ़ोन लेके आएंगे। देखते हैं किस टाइम मौसम ठीक रहता है। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये रही शॉप। राजू भैया यहाँ पे प्रवेश कर रहे, भीग गए हैं। ये सारे फ़ोन यहाँ पे लगे हुए हैं, ये देखो। और लेकिन हमारा फ़ोन इसमें नहीं है, जो हमने मंगाया था वो शायद अलग ही है। देखिए नहीं रहा इनमें कि इनमें तो सारे फ़ोन अलग ही लग रहे हैं। जो हमने मंगाया वो फ़ोन पता नहीं कहाँ रखा है, दादा ने दिखाई नहीं रहे, अभी लास्ट में दिखाऊंगा बोल रहे हैं। जो ये कवर लगे हुए हैं, जितने भी मैंने अभी फ़ोन दिखाया आप लोगों को, उन सब के कवर ये यहाँ पे लगे हुए हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ आईटी कंप्यूटर वाले दादा के शॉप पे। हाँ, तो अभी हम लोग हैं दादा के शॉप पे। यहाँ पे हर प्रकार के मोबाइल, लैपटॉप और सीसीटीवी ऐसी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं हर प्रकार की। और आप लोग भी लीजिए, एक बार सेवा का अवसर ज़रूर दें। तो मिलाता हूँ मैं आपसे दादा को। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये रही दादा। दादा कैसे हो? और ठीक हो रहा है? ओके, हाथों तो पास नहीं आए हुए थे, हाथ में आप फोन कर लेते हो। तो ये रहा फ़ोन जो कि राजू भाई के हाथ में है। और भाई ने फ़ोन ले लिया है और बिल भी काट दिया है। राजू भाई चेक करते हैं कितने का कटाई करके, बहुत महंगा फ़ोन है। ठीक है, फिर दादा चलते हैं। बाय बाय बाय। तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, फ़ोन हमने ले लिया है, अब बाकी होटल में जाते हैं, वहाँ पे लंच करते हैं। लोग पहुंच चुके हैं होटल में। हम लोग होटल में पहुंच गए हैं और राजू भाई अब अपने न्यू फोन को यूज करेंगे, पुराने फोन की तो अभी लाइट आया है। कितने का दिया था? 32,000। हेलो, 40,000 का फोन गया। हमारे चाचा अभी यहाँ पे पहुँच गए बधाई देने के लिए। ये 40,000 का फोन गया, 40 में 20% चाचा कैसा है? ठीक नहीं है, बढ़िया है ना? चाचा काफी खुश दिख रहे हैं। हाँ चाचा, क्या कहना चाह रहे हो? पार्टी लेना चाह रहे हो?
यहाँ पे उल्टी बोनी चली हुई है। फोन राजू भाई लाए हैं, पार्टी भी वही मांग रहे हैं चचा से। चचा इस बात से सहमत नहीं है। अरे यार बहुत लोग कर लेते हैं लंच। हमने अभी लंच नहीं किया भाई। मोहन भाई भूख लगी होगी ना? हाँ भाई, अब हम लंच कर लेते हैं। और ये हम तीनों भाई प्लस चचा लंच भी हो ही चुका है हमारा। और अब मैं चलता हूँ नीचे शॉप में, अभी होटल पे हूँ। दादा आज अकेले हैं दिन भर वहाँ पे। चले नीचे शॉप की तरफ। दादा उठा लाए फोन। आज हमारे सेठ जी की दुकान की सफाई चल रही है। न्यू फोन खरीदने के उपलक्ष्य से राजू भाई यहाँ पे सब लोग फोन मिठाई बांट रहे हैं, ये देखो। और काफ़ी खुश हैं, न्यू फोन लिया है आज। तो खुशी तो बनती है क्योंकि न्यू फोन है, काफ़ी महंगा भी है। सही है, मतलब जो बहुत लखा को। हाँ मौसम ख़राब था तो भाई साहब तो यहाँ पे लगे हुए हैं सफाई में, पूरी दुकान में सफाई में लगे हुए हैं। जो धूल हुई रहती है यहाँ पे, आज धूल तो है नहीं तो बारिश हुई है उसके कारण। खाली बैठने से अच्छा है कि मतलब सफाई कर ली इनने। सारी सफाई करने के बाद अब रख रहे हैं अच्छे से सामान को सेट करके। सो गाइस अभी मैं तो चलता हूँ रूम की तरफ, और क्या कहते हैं दा यहीं पे हैं तो। और आज मैं दिन भर कमरे में गया भी नहीं, तो अभी चलता हूँ वीर जी लोगों के पास। मौसम भी अभी ठीक है, और क्या कहते हैं कि दिन भर तो बारिश थी यहाँ पे, कहीं जाने जैसा तो हुआ नहीं, तो अभी फ़िलहाल कमरे में चलता हूँ। सुबह कमरे में पहुँच गया हूँ, और क्या कहते हैं रास्ते में तो मैंने कुछ नहीं दिखाया मार्केट की तरफ, क्योंकि थोड़ा बूंदाबांदी भी चल रही थी, ठंड भी हो रही थी, तो इसलिए मैं कुछ नहीं दिखा पाया। और कमरे में पहुंच गया हूं, तो अभी आज आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आज काफ़ी लेट अपलोड हो पाई क्योंकि कल टाइम नहीं मिल पाया मेरे को वीडियो की एडिटिंग करते करते, क्योंकि आधी एडिटिंग तो मैंने रात को की, फिर आधी सुबह उठ के की, तो लेट हो गया था अपलोड करने में। तो मैं अभी अपनी वीडियो की एडिटिंग करता हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम जल्दी अगले न्यू व्लॉग पे। तब तक के लिए टाटा बाय।